है गाइस, क्या ही प्यारा दिख रहा है यार। बहुत नाइट के टाइम में और अच्छे दिखते हैं गाइस। सो गाइस, मुझे अभी इधर नहीं जाने थे यार, मुझे उधर जाना था। सो गाइस, अभी मैं कुछ इस तरह के लोकेशन पे आ रहा था। सो गाइस, अभी मेरे ना पीछे एक बंदा खड़ा है जो पलटीना भाई, कब से स्टार्ट मार रहा भाई यार, स्टार्ट नहीं हो रहा, तो उसका चलते देखते थोड़ा क्या हो रहा है, इसमें हेल्प करते हैं। पहले मेरा हो जाए तब तो करेंगे भाई उसका भी हेल्प। यार अपने भी यार सेल्फ प्रॉब्लम आ रही है इसमें कुछ। ये देखो क्या करेंगे किसी का हेल्प भाई, जब अपना ही ना सही हो तो। हो गया ये तो अभी करके देख लेंगे। क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा, ट्राई करूं मैं गाड़ी साइड में लगा दो भाई। अभी अचानक बंद हुआ, अच्छा छोड़ना जरा इसे। चौक इसको उठा रखे आप, चौक में था ना। डबल स्टैंड है इसका, नहीं नहीं मोबिल कम रहेगा तो गाड़ी ऑटोमेटिक वो होता है, इसमें आवाज आने लगेगा, इंजन नहीं है वो। ठीक मारना जरा भैया इसको, कहाँ तक जाना है ऐसे आपको, कहाँ तक बोलेगा तो अगर हेल्प मैं कर दूंगा, पैर लगा दूंगा कुछ देर तक। एक बार इसे हिलाना जरा, तेल है, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल है बहुत कम है वो। तो यार भाई की बाइक तो स्टार्ट नहीं हो रही, अभी देखते हैं उसे कुछ हेल्प करते हैं यार। आ जाओ भाई, पैर लगा देता हूँ पैर, चलो आगे तक चलो, पैर लगा देता हूँ, चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी आगे, दिखा आप शॉप पे कहीं। हाँ मैं वो बता रहा, जैसे ना इसके तेल जो होते हैं ना वो ओवर हो गए, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा, तो तेल गिरेगा बस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा ये मतलब? जैसे इसका कार्बोरेटर जो होता है ना उसमें पेट्रोल ओवर हो गया इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा। हाँ क्योंकि आपको उस टाइम नहीं पता ऑन ऑफ कर करके ओवर कर दिए, स्टार्ट नहीं हो रहा, और वो चीज़ ना दुकानदार वाले निकाल देगा, निकालने के बाद स्टार्ट हो जाएगा तुम्हें, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है आपको। मैं पैर लगा दूंगा कुछ दूर तक, चलो थोड़े से आगे कर लो भाई। यार भाई की बाइक खराब हो गई यार, तो मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। कितने दूर तक है, चले जाओगे? ठीक है भैया, ओके भैया, ओके ठीक। तो गाइस मैं अभी आ ही रहा था तब तक देखे भाई यार काफी टाइम से परेशान थे, जिसकी वजह से वो मतलब कि स्टार्ट नहीं हो रही बाइक उनकी। मैंने भी ट्राई किया गया बट हो नहीं रहा, क्योंकि उसके ऑयल ना जो होते हैं पेट्रोल ओवर हो गया, जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो उसके लिए मेरे पास कुछ था भी नहीं जो मैं करूँ कुछ निदान, तो इसलिए गए मैंने उनको थोड़ा बोला कि चलो भाई आगे तक पैर लगा देता हूँ, चले जाओ आप, कोई इशू नहीं हो। फिर उसके बाद मैंने बाइक को छोड़ दिया,
तो अभी मैं निकलता हूँ कुछ इस तरह के लोकेशन पे गाइस। क्या ही पिकअप है भाई, जबरदस्त है। तो गाइस अभी मैं इसमें पेट्रोल भी लूंगा क्योंकि काफी टाइम मैंने पेट्रोल नहीं लिया। तो केवल गाइस एक खुटी है और इससे एक खुटी ना मतलब पता ही नहीं चल रहा गाइस कि ये कब ऑफ हो जाएगा, इसलिए पेट्रोल लेना बहुत जरूरी है गाइस बहुत, नहीं तो कहीं मुझे धक्का ना देना पड़ जाए। मैं करीब 6-7 दिन हो गया मैं 200 रुपये पेट्रोल डाला उसी में चला रहा अभी तक, तो आप समझ सकते यार स्थिति क्या होगा पेट्रोल का। तो गाइस ये आज चढ़ते फ्लाईओवर। एक्चुअली गाइस ना मैं कल इसके 100 करोड़ काम करा दिए गाइस, और थोड़े बहुत ना ये भी ढीले थे स्टेयरिंग जो कि मैं वो भी टाइट कराया क्योंकि ये गड्ढे में पड़ने वाला खड़खड़ की आवाज आ रही थी गाइस इसमें, तो मैं बहुत टाइम सोच रहा था यार कि ये क्या हो किस चीज़ का आवाज है, मुझे लगा वायर का आवाज है गाइस, तो मैंने वायर काफी टाइट करवाने के बाद भी गाइस आवाज आ रहे थे, तो मुझे लगा यार किस चीज की ये है आवाज, बहुत मैं परेशान था। बट कल कराने के बाद ना अभी ये आवाज भी बंद हो गई, तो यार मुझे अब पता चल रहा कि स्टेयरिंग डिले होने के बाद ऐसे आवाज आते हैं। तो फिर उसके बाद अब फिट हो गए गाइस, शॉकर भी सही हो गया। अभी बहुत सारे कुछ और प्रॉब्लम है जो कि वो भी सॉल्व हो जाएंगे दे गाइस, तो अभी मैं आपको कुछ साइड में कहीं लगाकर दिखा दूंगा शॉकर की स्थिति क्या है। सो गाइस मुझे अभी इधर नहीं जाने थे यार, मुझे उधर जाना था। सो गाइस अभी मैं कुछ इस तरह के लोकेशन पे आ रहा था, बड़े गाइस क्या ही प्यारा दिख रहा है यार, बहुत नाइट के टाइम में और अच्छे दिखते हैं गाइस। सो है गाइस यहाँ पे अभी मतलब क्लियर रोड है, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आ रहा जा रहा, मतलब सही है खड़ा करने का बाइक, तो मैंने खड़ा किया गया। और ये चेक मारो गाइस, मैंने ये इसका कल काम करा दिया जो कि बिल्कुल भी ओवरऑल नहीं आ रहा गाइस, बिल्कुल फिट हो गया, कोई इशू नहीं है। और गाइस ने कल ये भी चीज़ मेरा ढीला था जिसकी वजह से ये खटखट की आवाज़ निकाला था, तो मुझे लगा गाइस कि ये वायर ढीला होगा, बट ये टाइट होने के बाद बिल्कुल फिट हो गया गाइस। और उसके बाद रही बात कल, तो गाइस आज थोड़ा नोटिस कर सकते हो यार कि बाइक भी चमक रही है गाइस, क्योंकि ये सारे मैंने कल इसे वॉश कराया गाइस उतने दिन बाद, और उसके बाद जाकर अब फिट हो गई गाइस। और उसके बाद अभी रहा गाइस ये सीट, तो ये भी हो जाएंगे गाइस। मैं भैया को कल बोला था तो भैया बोले थे आज लेकर आने के लिए, तो आज देख लेंगे हम जाकर गाइस, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर मैं कहीं और निकलूँगा गाइस। आज सीट कवर भी लग जाएंगे, और उसके बाद में बच्चा गाइस आपका एक टैपिंग यहाँ पे अपने चैनल नेम का टैपिंग करवा देंगे गाइस, बस 2-3 दिन के अंदर में सारे काम हो जाएंगे। तो फिर आप देख रहे हो क्या सेक्सी लुक है गाइस इसका, प्यारे देख रहे हैं गाइस कि जब मैं घर से आऊँगा तो ये सारे काम करा दूंगा, बट आने के बाद तो गाइस मैं ये करा ही दिया। और इसके ना एक सेल्फ प्रॉब्लम आ रहा है गाइस जो मैंने पिछले वीडियो में बताया होगा, कभी कभी स्टार्ट नहीं मार रही है, तो एक्चुअली में गाइस मुझे लग रहा था वायरिंग का फॉल्ट होगा, बट ये वायरिंग नहीं, ये सेल्फ का प्रॉब्लम है जो कि इसमें कीक तो आते नहीं 180 में, ये तो आप लोगों को पता होगा भाई, देख सकते आप लोग बिल्कुल नहीं। तो गाइस जो ऐसा सेल्फ ही इसका खेला है, तो मैं बल्कि परसों दिन धक्का भी लगाया था गाइस तब जाकर स्टार्ट हुआ, तो अभी मतलब स्टार्ट सेल्फ मार रहा, बट ये है ना गाइस कि अभी मतलब एक मैकेनिक भैया बोले कल मुझे कि इसका कार्बन जा रहा है, वो कार्बन खत्म हो रहा है, एक्सचेंज करने पड़ेंगे गाइस, तो वो बोले थे कि मतलब लमसम इसमें 4 या 5 के करीब पड़ जाएंगे। मैं बोला यार इतने कार्बन काम में आएंगे, तो बोलते भैया कि ये साइड वाले पल्ले खुलेगा तब जाकर सेल्फ खुलता है इसका, क्योंकि अंदर होते हैं ये, बाहर में दिख रहा बट अंदर से इसके नट बोल्ट है। तो फिर गाइस मैं बोला ठीक है, तो अभी तो स्टार्ट मार ही रहा, कभी कभी नहीं मारा तो अभी देख लेंगे गाइस। तो उसके बाद में फिर ये जैसे हो जाएगा ना तो सेल्फ का भी काम कराना है गाइस। सो गाइस आज की वीडियो कैसी लगी, आई होप कि आप लोगों की वीडियो बहुत अच्छी होंगी। सो गाइस वीडियो करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर।